नोटबंदी के बाद से जनधन खातों में जमा होने वाली राशि में लगातार इजाफा हो रहा है। 8 नवंबर के बाद से अब तक जनधन खातों में जमा राशि बढ़कर 64,252 करोड़ 15 लाख के आंकड़े पर पहुंच गई है। इस मामले में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है, जहां लोगों ने 10,670 करोड़ रुपए जमा कराए हैं। इसके बाद पश्चिम बंगाल और राजस्थान का नंबर आता है। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को ये जानकारी दी। इसके अलावा सरकार ने यह भी साफ किया कि किसी भी सरकारी बैंक ने अपने अधिकारियों को जनधन खातों में अपनी ओर से कोई रकम जमा करने का आदेश नहीं दिया है। कुछ रिपोर्ट्स में ये कहा गया था कि ज्यादातर जीरो बैलेंस खातों में बैंक अधिकारियों की ओर से 1 या 2 रुपए जमा किए गए। साइरस मिस्त्री को टाटा स्टील के चेयरमैन पद से हटा दिया गया है। आज टाटा स्टील के बोर्ड में वोटिंग के बाद मिस्त्री को हटाया गया। अब इशात हुसैन टाटा स्टील के नए चेयरमैन बन सकते हैं। ईजीएम तक ओपी भट्ट टाटा स्टील के अंतरिम चेयरमैन के तौर पर काम देखेंगे। ओपी भट्ट टाटा स्टील के साथ टीसीएस बोर्ड में भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं। टाटा स्टील ने कहा है कि ईजीएम में निष्पक्षता के लिए भट्ट को अंतरिम चेयरमैन बनाया गया है और मिस्त्री को हटाने के लिए बोर्ड ने बहुमत से प्रस्ताव पास किया। इसके अलावा टाटा स्टील ने 21 दिसंबर को ईजीएम बुलाई है, जिसमें साइरस मिस्त्री और नुस्ली वाडिया को कंपनी के बोर्ड से हटाने पर वोटिंग होगी। उधर इंडियन होटल कंपनी ने साइरस मिस्त्री को डायरेक्टर के पद से हटाने का प्रस्ताव रखा है। कंपनी ने बोर्ड से मिस्त्री को हटाने के लिए सदस्यों से मंजूरी मांगी। 20 दिसंबर को कंपनी की ईजीएम है, जिसमें प्रस्ताव पर विचार होगा। लखनऊ महोत्सव का आज रंगारंग आगाज हो गया। यूपी के मंत्री अभिषेक मिश्र ने इसका उद्घाटन किया। यह महोत्सव 11 दिन तक चलेगा। Thank you.